निर्भया को मिला इंसाफ। दिल्ली गैंगरेप में चारों दोषियों को सजाए मौत। दिल्ली की साकेत अदालत ने पिछले 9 महीने से चल रहे 16 दिसंबर दिल्ली गैंगरेप मामले में चारों दोषियों पर कोर्ट ने सजाए मौत मुकर्रर की है। दिल्ली गैंगरेप के चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए जाने पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने संतोष जाहिर करते हुए कहा कि आखिर दामिनी और उनके परिवार को न्याय मिल गया है। गुजरात के बनासकांठा से देशव्यापी भ्रमण पर निकले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों को हर संभव मदद देगी। बता दें कि खाद्य सुरक्षा विधेयक संसद में पास हो चुका है। राजनगरी आगरा में 2 दिन से चलने वाली समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दा लोकसभा चुनाव, रणनीति के अलावा आर्थिक, राजनीतिक और मुजफ्फरनगर हिंसा जैसे कई बड़े मुद्दे छाए रहे। सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मुजफ्फरनगर हिंसा में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही। साथ ही साथ मुलायम ने कहा कि मुजफ्फरनगर हिंसा की तुलना गुजरात दंगों से करना ठीक नहीं है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर मोदी बीजेपी का भविष्य है तो बीजेपी का कोई भविष्य नहीं है। जम्मू कश्मीर के सोफियान में हुई हत्या के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पश्चिम बंगाल के शुभायन बाल सुधार गृह से 22 किशोर कैदी फरार हो गए। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस कुछ किशोर कैदियों को पकड़ने में कामयाब रही। फिलहाल बाकी बचे कैदियों की तलाश में जुटी है। यौन शोषण मामले में पिछले 1 सितंबर से जोधपुर जेल में बंद आसाराम को अभी राहत नहीं मिली। बता दें कि आसाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी, जिस पर सुनवाई 16 सितंबर को होगी। देश के औद्योगिक उत्पादन में लगातार 2 महीने से हो रही गिरावट के बाद औद्योगिक उत्पादन में 2.6% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। विनिर्माण तथा बिजली क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से पिछले 3 महीने में पहली बार औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। News.0